हेलो एवरीवन, वेलकम टू वेजिटेरियन फूडीज किचन। आज मैंने बनाया है यहाँ पे चीज़ कॉर्न डबल डेकर, और ये बहुत ही टेस्टी नाश्ता बनता है और बहुत ही कम सामान में बना सकते हैं, और ये आपको बहुत ही पसंद आने वाला है। बच्चों को तो ये बहुत ही ज़्यादा पसंद आता है, आजकल बच्चे जो है इसी तरह के डिश खाना पसंद करते हैं, तो आप इसे एक बार ज़रूर बनाइए। आइए देखते हैं कैसे बनता है। यहाँ पर हम चार ब्रेड लेंगे, तो दो ब्रेड इसे ऐसे ही लेना है और दो ब्रेड को हम इस तरह से बीच का ये काट कर निकाल लेंगे, इस तरह से बीच वाला पोर्शन। ये ब्रेड हमारा इस तरह से अलग हो जाएगा। यहाँ पे हम दोनों ब्रेड का ये बीच का पोर्शन इस तरह से निकाल देंगे, और हमें ये दो ब्रेड ऐसे ही चाहिए और दो हमें ये साबुत चाहिए। यहाँ पे एक पैन गरम करेंगे और थोड़ा सा इसमें मक्खन डालकर इसे हम इस ब्रेड को सेंक लेंगे। इस ब्रेड को हमें एक तरफ से सेंकना है। यहाँ पे दूसरा ब्रेड भी हम इस तरह से सेंक लेंगे। ब्रेड हमारा इस तरह से सेंकना चाहिए। अब हम इसे निकाल लेंगे। दोनों ब्रेड को सेंकने के बाद हम इसमें थोड़ा सा और मक्खन डालेंगे, और ये जो साबुत ब्रेड है इसे हम इस तरह से मक्खन लगाकर सेंक लेंगे। इसे हम एक तरफ से सेंकने के बाद थोड़ा सा सेंकेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं सेंकना है इधर। फिर थोड़ा सा मक्खन डालेंगे, और इसको हम जिस तरफ से नहीं सेंका हुआ था उस तरफ डाल देंगे, और ये ब्रेड हमारा जिधर मक्खन लगाकर सेंका हुआ है इसको हम ऊपर रखेंगे, और यहाँ पे इस तरह से हम ब्रेड को लगाएंगे। अब हम इस ब्रेड में थोड़ा सा ये कॉर्न डालेंगे, और इस कॉर्न के साथ साथ ही हम थोड़ा ज़्यादा ज़्यादा इस तरह से शेजवान सॉस लगा देंगे। इस तरह से आप चाहें तो ब्रेड में भी लगा सकते हैं। इसके ऊपर हम चीज़ रखेंगे इस तरह से। इसमें हम ढेर सारा चीज़ डालेंगे। और इसके ऊपर हम थोड़ा सा ये कॉर्न फिर से डाल देंगे। यहाँ पे हम थोड़ा सा चिली फ्लेक्स डाल देंगे, और थोड़ा सा यहाँ पे ऑरिगैनो डाल देंगे। इसे ढक कर हम थोड़ी देर के लिए पकने देंगे। ये देखिए, बहुत ही बढ़िया हमारा ये नाश्ता बनकर तैयार है। तो इसे अब हम इस तरह से निकाल लेंगे। ये नीचे से पूरी तरह से क्रिस्पी हो चुका है। इसी तरह से अब हम दूसरा ब्रेड भी इस पर डालेंगे। और इस तरह से पलट लेंगे, और पलटने के बाद हम इस पर इस तरह से देखिए ढेर सारा शेजवान चटनी लगा सकते हैं। इस तरह से भी अगर हम बनाना चाहें तो इस तरह भी बना सकते हैं। शेजवान चटनी लगाने के बाद ये ब्रेड हम इस तरह से ऊपर रख देंगे। इसके बाद इस पर भी हम उसी तरह से चीज़ डाल देंगे।
पहले कॉर्न डालेंगे, फिर चीज़ डाल देंगे इस तरह से, इसके बाद फिर से हम इस पर थोड़ा सा और कॉर्न डालेंगे, ये स्वीट कॉर्न है। उसके बाद ऊपर से हम ढेर सारा चीज़ फिर से डाल देंगे। यहाँ पे हम चिली फ्लेक्स डालेंगे, यहाँ थोड़ा ऑरिगैनो डालेंगे, और इसे हम ढक कर पकने देंगे। यहाँ पे हमारा ये बहुत ही बढ़िया टेस्टी सा नाश्ता बनकर तैयार है, तब हम इसे सर्व कर लेंगे। यहाँ पे चीज़ कॉर्न डबल लेकर हमारा बहुत ही बढ़िया ये बनकर तैयार है। तो इस तरह आप भी बनाइए, खाइए और अपने अनुभव हमारे साथ शेयर कीजिए। और हमारी रेसिपी अगर आपको पसंद आती है तो हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी कीजिए, ताकि हमारे नए नए रेसिपीज़ के वीडियोज़ आपको मिलते रहें।